कई बार मरीज अस्पताल तक या दवाखाने तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में बहुत ज़रूरी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हर ज़रूरतमंद तक वो ज़रूरी चिकित्सा सुविधा पहुंचे। यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे हमारे देश की आदिवासी आबादी का। आदिवासी जो प्रकृति के पूरक होते हैं, प्रकृति के संरक्षक होते हैं। हमारे देश में सैकड़ों आदिवासी जनजातियां हैं जो अपने लोगों को, अपनी संस्कृति और परंपराओं को बाहरी दुनिया से बचाना चाहते हैं। ऐसी ही एक जनजाति है जारवा जनजाति, जो कि अंडमान में रहती है। जी हाँ, एक समय जारवा जनजाति विलुप्ति की कगार पर थी। अब इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उस समय इनके अस्तित्व को बचाने का श्रेय जाता है डॉक्टर रतन चंद्र कर को। 66 वर्षीय डॉक्टर रतन चंद्र कर सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर, जिन्होंने अपने फर्ज के आगे अपनी जान की भी परवाह नहीं की। जब 1999 में अंडमान निकोबार के एक द्वीप में खसरे का प्रकोप फैला, तो डॉक्टर रतन चंद्र कर ने खसरे से पीड़ित जारवा जनजाति के लोगों के इलाज की जिम्मेदारी ली। उन्होंने एक ऐसी जनजाति से दोस्ती की जो बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखती है, और उन्हें विलुप्त होने से बचा लिया। बहुत सी जनजातियाँ ऐसी संक्रामक बीमारियों या प्राकृतिक कारणों के चलते ही विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर कर ने एक दुर्लभ जनजाति और उनके अस्तित्व के अधिकार के मूल्य को समझा। वर्ष 1997-98 में जारवा जनजाति अपनी पारंपरिक शत्रुपूर्ण रुख को त्याग कर आम इंसानों के इलाके में आ गए थे, लेकिन इसके बाद वे कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे। विशेष रूप से वर्ष 1999 के सितंबर अक्टूबर में जब खसरा बीमारी का प्रकोप शुरू हुआ, अंडमान और निकोबार प्रशासन और भारत सरकार ने मुझे जारवा जनजाति को घर घर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी थी। यह मेरे लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। पहले उनकी भाषा की समस्या, खाना बदोश जीवन शैली और उनके पास तीर थे, ये तो बहुत खतरनाक था। मैंने सोच लिया था कि मैं इन सभी समस्याओं को जीत लूंगा। धीरे धीरे मैं उनके दिल में अपनी जगह बनाने लगा, मैं उनका दोस्त बन गया। मैंने उनकी भाषा, उनकी संस्कृति सीखी, इसलिए उन्होंने उस समय मुझे अपना मान लिया। अपनी टीम के सदस्यों, अंडमान निकोबार प्रशासन और भारत सरकार के सहयोग से हम जारवा जनजाति को खसरे के प्रकोप और विलुप्त होने से बचाने में सफल हुए थे। जो डॉक्टर कर ने किया वो आसान नहीं था। उन्होंने उनकी भाषा सीखी, उनके पारंपरिक आदतों और रीति रिवाजों को स्वीकार किया, उनका विश्वास हासिल किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से दोस्ती करने के लिए घर घर दौरा किया, उनकी पारंपरिक दवाओं के प्रति सम्मान दिखाया और केवल पूरक के रूप में ही अपनी दवाओं का प्रयोग किया। When I hear about his work, it is so, it gives me goosebumps, because you know these endangered tribes in the interiors of Andaman, and a lot of these tribes had actually in when you look at world's history, some of them have just disappeared because there is no medical help. When they get sick, there is no knowledge, and there is no one who has the skills and the knowledge to help them out. At that point of time, this iconic medical practitioners chose to take that as a challenge. He went there. He won their trust, became one of them. That human touch, you know, winning the trust of them is a Herculean task, and he was able to do it. He could definitely help overcome that measles scourge and the epidemics and continue to render this medical service to this community so that it can thrive. And that, I think, is so humongous in its contribution to the community, to the humanity in general. So truly, truly, you know, heartfelt congratulations and God bless you. God bless you, Dr. Karji. 2003 में पोर्ट ब्लेयर में स्थानांतरण के बाद भी वे जारवा जनजाति को चिकित्सा प्रदान करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते रहे। 2014 में सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज सेवा का ये सिलसिला जारी रहा। जारवा समुदाय के पास एक समृद्ध विरासत और संस्कृति है, जिसे डॉक्टर कर ने एक पुस्तक में दर्ज किया, अंडमानेर आदिम जाति जारवा।
जारवा जनजाति एक समय विलुप्त होने की कगार पर थी। आज उनकी जनसंख्या 76 से 270 पहुंच गई है और इसमें डॉक्टर रतन चंद्र का बहुमूल्य योगदान रहा है। डॉक्टर रतन चंद्र कर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।